20 लाख करोड़ राहत पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज तीसरी किस्त पेश की। तीसरी किस्त में कृषि और मछली पालन को आर्थिक मदद पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रतिवर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है। इस योजना में 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। औरंगाबाद रेल लाइन पर हादसे का शिकार हुए मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई पटरी पर सो जाए कोई उसे कैसे रोक सकता है। लोग गुस्से में पैदल निकल रहे हैं, उन्हें रोकने की विनती ही की जा सकती है। दिल्ली में एक बार फिर आज भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.2 थी, इस बार भूकंप का केंद्र पीतमपुर इलाके में था। ये भूकंप 30 दिन में चौथी बार महसूस किया गया। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद आज ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस बार बेहद सादगी से कपाट खोले गए, जहां मुख्य पुजारी समेत 11 लोग ही शामिल हुए। साथ ही पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। लॉकडाउन पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को ऑड इवन नियम से बाजार खोलने का प्रस्ताव भेजा। दिल्ली सरकार बसें और मेट्रो को लिमिटेड तरीके से खोलना चाहती है। यूपी सीएम ने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर समीक्षा की और प्रदेश के ताजा हालातों की जानकारी दी। इस दौरान टीम 11 के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज पर पीएम और वित्त मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय ये बड़ा पैकेज मिला है। प्रवासी मजदूरों के लिए खाने, रहने, बस और ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को रेहड़ी व्यापारियों को आसानी से लोन देने के आदेश दिए। साथ ही मजदूरों को घर पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके भी निर्देश दिए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में अभी तक कोरोना से 92 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 3995 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1773 केस एक्टिव केस हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक कुल 626 ट्रेनों को सहमति दी गई है, जिनमें से 380 ट्रेन आ चुकी हैं, वहीं लगभग 250 और ट्रेनों को सहमति दी गई है। लखनऊ के केजीएमयू में कुल जांच के लिए गए 708 सैंपल में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 4 रोगी लखनऊ में, 2 सहारनपुर के, वहीं 1 मरीज कन्नौज में भर्ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर सैनिक कल्याण होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 46,60,000 रुपए का चेक भेंट किया। लखनऊ जेसीपी नवीन अरोड़ा ने जमात से जुड़े शख्स को जागरूक नागरिक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वाहिद ने 3 अप्रैल को खुद सामने आकर जांच कराई थी, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बहराइच और जालौन में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मदद करने का ऐलान किया। प्रयागराज के धूमनगंज हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद किया। औरैया के फफूंद इलाके में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया। 2 दिन पहले दिल्ली से लौटे परिवार में हुई महिला की मौत के बाद पुलिस ने पति से ही उसकी पत्नी की डेड बॉडी सील कराई। लखनऊ की अलीगंज पुलिस ने शातिर हिस्ट्री शीटर को 28 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। गोंडा के वजीरगंज इलाके में बने क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से बच्चे की मौत हो गई। सांप काटने के बाद एम्बुलेंस न मिलने से बच्चे को बाइक से अस्पताल ले जाया गया था। अलीगंज सराफा एसोसिएशन के सराफा व्यापारियों ने अलीगंज थाना क्षेत्र के प्रभारी समेत पूरे इलाके में मास्क, सैनिटाइजर और खाने का सामान बांटा। साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मजदूरों के पलायन पर ट्वीट कर सरकारों से अपील करते हुए कहा कि लाखों प्रवासियों की बदहाली दुखद है, राज्य सरकारें तत्काल कारगर व्यवस्था लागू करें। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 1 अरब डॉलर यानी करीब 7500 करोड़ रुपए का सोशल प्रोटेक्शन पैकेज देने की घोषणा की। ये भारत सरकार के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। गुलाबों सिताबों के बाद अब विद्या बालन की आने वाली फिल्म शकुंतला देवी भी ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। अमेजन प्राइम वीडियो ने इसके वर्ल्ड प्रीमियर का ऐलान कर दिया है, हालांकि रिलीज डेट अभी तक तय नहीं की गई है। शाहरुख खान ने अपने फाउंडेशन मीर के जरिए लोगों से कोरोना में जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने अपने फाउंडेशन पर एक लिंक भी शेयर किया है।
लॉकडाउन में बेटे के बाल न कट पाने से परेशान एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो तेरे नाम का गाना गाती नजर आ रही हैं, साथ ही अपने बेटे को राधे के नाम से बुला रही हैं।